पहुँचे हैं अलीगढ़ जिले के नाया गांव में। यहाँ पे जो 28 तारीख को जम्मू के लिए जो श्रद्धालुओं से बस गई थी दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी के लिए, तो 30 तारीख को जो घटना हुई है उस घटना में 12 लोग इसी गांव के नाया के जो मृत्यु हुई है, 12 लोग की मृत्यु हो गई इसी गांव से, और जो कुछ घायल हैं उन घायलों से जानकारी लेते हैं, उन घायलों से मिलते हैं, आपको बताते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? संजय सिंह। संजय सिंह, जो घटना ये 30 तारीख घटना हुई थी उस समय पे, मतलब ये कितने बजे की लगभग घटना है? जी लगभग 11:50 हो रही थी। 11:50 पे तब क्या स्थिति थी जब घटना हुई थी, मतलब कैसे हुई है घटना का? ये तो तुरंत जस्ट इन लॉ की बात थी, तो उसी समय हमको ऐसे लगा कि गाड़ी खाई से कूद गई, तो उस समय हम कर भी क्या सकते थे, इसलिए ऐसा लगा कि अब तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे, चीख पुकार चलने लगी। स्थिति कैसी थी उस समय पर जब ये गाड़ी पलटी थी? भयानक हादसा था वो हमारे सामने, वो मंजर याद आ जाता तो देखने के लायक नज़ारा नहीं। इसमें ये मौतें हुई हैं, कितनी हुई हैं? 24 मौतें हुई हैं। 24 गांव के, इस गांव के जो नया गांव के कितने हैं? 12 लोग हैं इसमें। 12 लोग, और घायल कितने हुए हैं? घायल करीब करीब 50 लोग घायल हैं। 50 लोग घायल हुए हैं। तो ये बताओ, जब वहाँ पे जब घायल एम्बुलेंस आई थी या हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ क्या सुविधा मिली, कैसा था वहाँ का हाल? वहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिली, वहाँ की जनता ने हम लोगों का बहुत ज़्यादा सहायता के लिए हेल्प की, और तुरंत कुछ आध घंटे करीब बाद ही हमको सहायता मिलने का अनुमान है। हमको तो होश नहीं था उस समय, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकलने लगे तो लोग वहाँ दिखाई देने लगे, ऐसा हमको महसूस होने लगा। तो शासन प्रशासन को मालूम है कोई वहाँ आया था उस घटना के बाद? सारा प्रशासन वहीं लगा हुआ था। यहाँ भी कोई आया था? यहाँ तो हम अभी कल ही लोग आए हैं, यहाँ तो कोई नहीं आया है। जी थैंक यू, और अभी घायल हैं उनसे मिलते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह, कौन से गांव के हो? धनीपुर। धनीपुर कहाँ पर है? ये इगलास तहसील में पड़ता है, गंगागढ़ी। ये घटना हुई थी 30 तारीख को, ये कै बजे की लगभग घटना है? ये 11 बजे के लमसम की घटना है सर। आप गाड़ी में किस जगह पे, बीच में थे आगे थे गाड़ी में? कनेक्टर साइड थे, दो सीट पीछे थे हम। पीछे थे। गाड़ी में कितनी श्रद्धालु थे? गाड़ी में श्रद्धालु 90 से ऊपर श्रद्धालु। 90? इस गांव के कितने थे? 14 लोग थे इस गांव के। आप मेरे साथ जो गए थे वो 14 लोग थे, मेरे साथ गए थे। अच्छा, और ये खत्म हुए, कितने खत्म हुए हैं ये इस गांव के? इस गांव का नहीं है वो, पल्ले जो नए गांव के कितने? वो वहाँ पे 12 आदमी। तो आपको जो घायल हुए वो ट्रीटमेंट कैसा मिला वहाँ पे? ट्रीटमेंट अच्छा मिला है वहाँ पे। घटना हुई तो कैसा माहौल था जब घटना के समय पे? घटना के समय पे तो माहौल खराब ही था, वहाँ तो कोई कुछ पता ही नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना है, वहाँ तो सब यही लग रहा था वहाँ की सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने और वहाँ की जो जनता थी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया हमारे साथ। शासन प्रशासन से कोई आया है यहाँ पे अभी आपके पास? शासन प्रशासन से कल दो आए थे डॉक्टर इगलास से, और वो डॉक्टर यहाँ इसकी पट्टी को देख के वापस चले गए, माने कि हम माफ़ी मांगते हैं और हमारे पास इतना बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको आप प्राइवेट में कराएं। तुम्हारा क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा, ये चोट लगी थी तब कैसे, मतलब होश था जब, आपको मालूम है कैसे लगी क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, सीधी बस गई थी, पेड़ में टकरा के 2-3 पलटे खाए उसने, तो खाई में गई थी, तो खाई में खड़ा था कनेक्टर सीट के पास, मुझे पता नहीं कैसे कटा है, पर मैं इतने कटे पे भी मैं बाहर निकल के ऊपर आ गया और बाजू बिल्कुल मांस फट गया और हड्डी बाहर आ गई थी बिल्कुल टूट के।
देखो छोटा सा बच्चा है, इसके हाथ में काफ़ी चोट है, फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, नीचे से ऊपर उठ के आ गया निकल के, और सही सलामत है, आपके सामने मौजूद है, घायल है। और जम्मू में जो घटना हुई वहाँ के प्रशासन ने काफ़ी मदद की, बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराया, और यहाँ पर अब आपके सामने बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ छोटे से बच्चे को जो इतनी हिम्मत करी है इसने, शासन प्रशासन से पूरी वो चाहता हूँ कि इनका सहयोग करें, जहाँ तक हो सके जितना इलाज किया जाए और इनकी जो भी सुविधा है उनको सुविधा दी जाए। आपका क्या नाम है? गीता। आप थी साथ में? आप बताओ जब ये घटना हुई थी तो कैसा मंजर था वहाँ, लोग क्या था माहौल वहाँ का? 3 बार पलटा ले गाड़ी ने, बाम ते हम निकले, जा लाला ने मैं निकाली, फिर मैंने अपने सब लेके गई वो निकाले, जब मैं ऊपर आई तो ऐसा ही सब माहौल खराब था। और अच्छी पुकार मच रही होगी वहाँ पे जब घटना हुई उस समय पर, वहाँ पे कोई आया था मतलब जब होश हुआ या? सब आए, सब ने मदद की, खूब हॉस्पिटल पहुँचाए, वहाँ तक इलाज कराया हमारा। इस गांव के और भी घायल हैं कोई? हाँ घायल हैं मेरे देवर, एक तो अभी आई ना चचिया सास हैं, एक देवर है, बहनी वो दाऊजी के पास से ओनी की है, वो माए भाभी मेरी वो भी अपने काम में ही चले गई। सभी घायल हैं? हाँ सभी घायल हैं, 14 थे हम, 14 ही घायल हैं, ये ज़्यादा परेशान है, इसका तो दोबारा भी होगा, अभी पहली बार में हड्डी जुड़ी नहीं है, दोबारा भी होगा। शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ इनका अच्छी तरह से देख रेख, जो भी सुविधाएं इनको है वो दी जाए, इनका इलाज करा जाए। जय हिंद जय भारत।